वेलकम टू एक्यूमन 360। कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग क्वाइट गुड एंड जम के पढ़ाई कर रहे हो। अब तक इन दिस वेक्टर कैलकुलस सीरीज हम बात कर रहे हैं अबाउट वेक्टर्स इन आर स्क्वायर, वेक्टर्स इन आर क्यूब, फिर वेक्टर एलजेब्रा जहां पे हमने बात की अबाउट एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स एंड फिर मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर विथ अ स्केलर। बट दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। जी हां, ये जो डॉट प्रोडक्ट है बिटवीन टू वेक्टर्स और जो इनर प्रोडक्ट है बिटवीन टू वेक्टर्स, ये टॉपिक बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे जाके हम इवन देखने वाले हैं इसके एप्लीकेशंस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द सेशन। बट डू वॉच दिस वीडियो केयरफुली, बिकॉज ये जो आगे वाले टॉपिक आने वाले हैं उसके साथ भी इसका लिंक है, राइट? तो चलिए लगाते हैं हेडिंग हमारे आज के टॉपिक का, वो है डॉट प्रोडक्ट। कोई बोलता है इसको इनर प्रोडक्ट। तो बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं फॉर डॉट प्रोडक्ट, तो ये होता है बिटवीन टू वेक्टर्स। अगेन, ये एक वेक्टर ऑपरेशन है जो होता है बिटवीन टू वेक्टर्स। तो सर, ये कैसे करते हैं वेक्टर डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट? लेट्स लर्न दैट। तो बेटा, सपोज हमारे पास वेक्टर देके रखे हैं। सपोज एक वेक्टर जो है वो है वेक्टर ए, वो आर क्यूब में रिप्रेजेंट किया गया है। अब आई रियली होप कि आपको समझ में आ रहा है कि आर क्यूब का मतलब क्या है, आर स्क्वायर का मतलब क्या है। इतनी एकदम ही ब्लैंक तो नहीं हो। अगर ब्लैंक हो तो जो बेटा प्रीवियस वीडियोस हैं उसको देख के यहां पे आओ, राइट? सो इफ आई टॉक अबाउट अ वेक्टर ए विच इज इन आर क्यूब विच हैज कोऑर्डिनेट्स, जो हमें देख के रखे हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1, y1, z1। वैसे ही जो वेक्टर बी है ये भी बिलोंग कर रहा है आर क्यूब के अंदर, और जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x2, y2 एंड z2। अगेन, यहां पे जब हम पढ़ रहे थे वेक्टर एलजेब्रा, वहां भी मैंने समझाया था आपको इन जनरल एग्जांपल से। यहां भी मैं शुरू कर रहा हूं विद इन जनरल एग्जांपल, इन जनरल कोऑर्डिनेट्स, एंड इसके बाद मैं एक एग्जांपल लूंगा और समझाऊंगा पूरा का पूरा डॉट प्रोडक्ट, राइट? तो स्टे ट्यून्ड। यहां पे हमारा वेक्टर ए देके रखा है, वेक्टर बी देके रखा है। तो चलिए जानते हैं डॉट प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो उसका सिंबॉल क्या होता है। तो बेटा, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं बिटवीन टू वेक्टर्स, हम दोनों के बीच में लगाते हैं डॉट का साइन। इसलिए क्या है ये डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट। सर कैसे करेंगे? चला जा, करते हैं इसको। जो ए का कोऑर्डिनेट है वो है क्या, x1, जो दिखाई दे रहा है। सर ये है x1, y1, z1। हम करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट इसका किसके साथ, x2 के साथ, y2 के साथ, z2 के साथ। चलिए क्या करना है, तो ये कहीं ना कहीं ऑपरेशन जो है ना डॉट प्रोडक्ट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन एंड एडिशन ऑपरेशन, बट मल्टीप्लीकेशन नॉट बाय स्केलर। यहां पे हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहां पे, सुन मेरी बात को। टू परफॉर्म डॉट प्रोडक्ट, जो भी एक्स कोऑर्डिनेट है x1 उसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ x2। तो ये हो गया हमारा पहला काम कि इसको हमें करना है, जो भी कोऑर्डिनेट हमको दिख रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट, जो भी हमारे दो वेक्टर्स हैं उसके जो भी एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स हैं एंड जेड कोऑर्डिनेट्स हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, व्हिच मींस x1 x2, y1 y2, z1 z2। एंड बिटवीन ऑल दिस कोऑर्डिनेट्स हम क्या करेंगे, विल गो फॉर द एडिशन ऑपरेशन, व्हिच मींस जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है बिटवीन टू वेक्टर्स वो क्या हो जाएगा, x1 x2 + y1 y2 + z1 z2। आई होप यू गॉट द कांसेप्ट। अगर नहीं समझे हो तो लेट्स लर्न दिस विद एन एग्जांपल। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स देके रखे हैं, है ना, चलो यहां पे ध्यान देना और प्रॉपरली ध्यान देना कि सपोज हमारे पास वेक्टर्स देके रखे हैं, वेक्टर ए इज गिवन बाय से 2 -1 4 एंड वेक्टर बी इज गिवन एज से -4 5 -3। और दोस्तों, यहां पे बोला यह गया है कि आपको यहां पे परफॉर्म करना है वेक्टर ऑपरेशन विच इज व्हाट, ए डॉट बी डैश।
A dot B dash, which means perform dot product between A and B. चलिए करते हैं, सिंपल है. चलो यहां पर ध्यान दीजिएगा. सो इफ आई टॉक अबाउट व्हाट ए डॉट बी, तो चलिए क्या करेंगे, वेक्टर ई वेक्टर ए क्या है, 2 -1 4, डॉट प्रोडक्ट विद किसके साथ, 4 5 -3. तो चलो क्या बोला मैंने आपको, जो भी इंडिविजुअल एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स हैं मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो चलिए क्या हो जाएगा ये, सर दिस वुड बी 2 -4, दिस वुड बी -1 5, एंड सर दिस वुड बी 4 -3, और सबके बीच में प्लस. तो चलिए क्या हो जाएगा ये, दिस वुड बी -8 प्लस दिस वुड बी -5 प्लस दिस वुड बी से -12. तो कितना हो गया यहां पे डॉट प्रोडक्ट, -12 -8 -20 -5 -25. आई रियली होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. क्या क्या समझ पा रहे हो, कुछ नहीं करना है बाबू. ये दोनों के जो भी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, फटाफट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इवन इन योर ब्रेन. कैसे, 4 × 2 -8, 5 × 1 -5 -8 -5 -8 -5, कितना हो गया -13, और 4 × 3 = 12 -12, तो -13 + -12 = -25. आई रियली होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट राइट. तो यहां पे डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स करना बहुत ही सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है. बट हाँ, क्या नहीं भूलना है, जो भी हमारा x इंडिविजुअल x y और z कोऑर्डिनेट्स हैं मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो राइट. आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो. हाँ, तो चलिए एक लेवल ऊपर जा रहा हूं इन द क्वेश्चन, एंड इन अपकमिंग वीडियो विल लर्न विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस ऑन डॉट प्रोडक्ट राइट. तो देख यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक लेवल ऊपर जा रहा हूं यहां पे. आई रियली होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट. यहां पे क्वेश्चन में क्या देकर रखा है, अगेन वी हैव अ वेक्टर व्हिच इज से 3 2 1, एक और वेक्टर देकर रखा है वेक्टर बी से व्हिच इज 0 -2 एंड 3. यहां पे भी हमको करना है डॉट प्रोडक्ट, बट अब जो है क्वेश्चन वो है 2a · 3b. सर अब ये क्या कर दिया आपने, तो देख मैंने दिमाग से खेला यहां पे, मैंने यहां पे दो ऑपरेशंस एक साथ कर दिए. कौन कौन से, 2a, क्या ये हमको पता है, क्या हम इसको जानते हैं, हाँ बिल्कुल जानते हैं. ये क्या है, मल्टीप्लाइंग अ स्केलर विथ अ वेक्टर. 3b ये क्या है, अगेन ये क्या है, मल्टीप्लाइंग अ स्केलर विथ अ वेक्टर. तो क्या ये सिंपल ऑपरेशन हम कर पाएंगे, हाँ बिल्कुल कर पाएंगे. तो चल बच्चा तो कैसे करेंगे ये को, पहले इसको खत्म करते हैं. तो चलिए 2a, तो क्या हो जाएगा, 2 वेक्टर a इज गिवन बाय 3 2 1, तो 2a वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 4 2. उसके बाद विल गो फॉर व्हाट, 3b, चलो क्या हो जाएगा, 3b वुड बी से 0 -2 3, तो 3b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 3 2 -6 and 3 3 = 9. यानी कि अब यहां पे क्या करना है हमको, ये तो हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो हो गया, अब करना है ये दोनों वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट, विच मींस 2a · 3b. लिखो 2a क्या है ये, सर ये वेक्टर है 6 4 2, डॉट प्रोडक्ट विथ 0 -6 9. मल्टीप्लाई करते हैं इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को, इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स को, तो 6 × 0 would definitely 0, 4 - 6 - 24, एंड ये हो जाएगा हमारा से 2 × 9. सो लेट्स सॉल्व दिस, 0 प्लस ये हो जाएगा हमारा -24 प्लस ये हो जाएगा 9 × 2 = 18. योर आंसर इज व्हाट, -6 राइट. आई रियली होप ये आपका आंसर आ ही गया होगा. सर ये क्वेश्चन तो ठीक है,
बट आपने बताया नहीं कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, या जो भी हम कर रहे हैं वेक्टर एडिशन, या तो फिर जो भी हमने स्केलर मल्टीप्लाई किया विथ अ वेक्टर, ये सब का मतलब क्या होता है, सही क्या? क्योंकि पिछले 2-3 वीडियो से मेरा पूरा पर्पस क्या था कि हमारा पूरा ध्यान जाएगा टुवर्ड्स क्वेश्चन सॉल्विंग, हम इसको फीलिंग की तरफ नहीं ले जा रहे थे। बट इन अपकमिंग वीडियो आई डेफिनेटली लेके आऊंगा वो वाली सब फीलिंग्स कि इन सब चीजों का मतलब क्या है, सही क्या? तो अभी आई रियली होप यू आर एंजॉयिंग वेक्टर कैलकुलस, सिंपल चैप्टर है, क्वेश्चंस भी सिंपल आते हैं। इन अपकमिंग वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मोर कॉन्सेप्ट्स इन वेक्टर्स, लाइक यूनिट वेक्टर्स इन आर स्क्वायर एंड आर क्यूब, एंड देन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन आर क्यूब इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप, एंड विल डू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन डॉट प्रोडक्ट। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी फॉर वेक्टर एल्जेब्रा, कहीं नहीं जाइएगा, बिकॉज इससे अच्छा मैथ्स आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं इन अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू एक्यूमेंट 360 एंड डू शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, रिविजन करके आइएगा। टिल देन, सी या, बाय बाय।